AS में अपना हैंडल गार्ड इंस्टॉल करते हैं या NS में अपना हैंडल गार्ड इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ आपको कुछ चीजें फेसिंग करनी पड़ेंगी जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सो गाइस, फाइनली हमारा चुका है पार्सल, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। फाइनली हमारे पास आ चुका है हमारा हैंडल गार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली ये ड्यूक में लगता है और अपन अपने उसमें इंस्टॉल करने वाले, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी व्हाइट कलर अपने उसमें कर चुके हैं BMW वाला, उसमें काफी ही बेहतरीन ही लगने वाला। तो चलो उसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि कैसा आया है। ये मुझे बेसिकली पड़ा है गाइस 571 का लेन, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये आफ्टर मार्केट 1000 रुपए के आसपास पड़ेगा, बट ऑनलाइन मुझे 570 रुपए में मिल गया है। तो आप प्रेफर करना कि ऑनलाइन से बोरो करने का, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह इसमें मिल जाएगा। सो अभी अपन इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसा कि काफ़ी अच्छी पैकिंग तो ठीक है, बट मुझे और अच्छा पैकिंग का वो था, लेकिन वैसा किया नहीं उनने, नॉर्मली पैक करके दे दिया। देखते हैं अंदर क्वालिटी कैसा आया। तो सबसे पहले अपन इसको निकाल लेते हैं। आई गेस इसमें नट बोल्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो अपन देख लेते हैं। तो इसमें अपने नट बोल्ट्स वगैरह शायद है, अच्छा इसी के अंदर ही दिए हुए हैं। चलो फटाक से इसको खोल लेते हैं। इसको खोल लेते हैं। वाह, नट नहीं दिया। सो गाइस, यहाँ पर हमें ये मिल चुका है, लेकिन इसमें इन लोगों ने नट प्रोवाइड नहीं किया। तो ऑनलाइन में यही एक लफड़ा रहता है कि आपको आधा अधूरा आइटम मिलता है, बट इसमें नट देना था जो कि इनने नहीं दिया है, बस अपने को दो होल्डर दे के पटक दिया। अब बिना नट के मैं कैसे लगाऊं? अब मुझे अलग से नट परचेस करना पड़ेगा, 15-20, 200 रुपये, 100 रुपये जितना लगे अलग से अपन को लगाना पड़ेगा। तो ये इसके वो रहते हैं, बाकी क्वालिटी तो ठीक ही है, उतना प्रीमियम नहीं कहूँगा मैं, बट ठीक है, काम चलाओ अच्छा है, लुक के लिए बढ़िया है। पर 400-100 रुपये के अंदर अगर मिलता है आपको तो आप परचेस कर लेना, मेरे को तो 500 रुपये भी ज़्यादा लग रहा। बट इन लोगों को नट वट देना था जो कि इनने दिया नहीं है, पता नहीं क्या है। AS में अपना हैंडल गार्ड इंस्टॉल करते हैं या NS में अपना हैंडल गार्ड इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें फेसिंग करनी पड़ेंगी जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। पहला, जब आप एक्सलेटर को यहाँ पर जब फिट करेंगे घर पर, मैकेनिक के पास जाओगे तो वो तो चलो जुगाड़ लगा के कर देगा, अगर आप घर पे कर रहे हो, अगर आप चाहते हो घर पे करना तो ये वीडियो आपके लिए। तो बेसिकली क्या होगा ना, एक्सलेटर की जब आप करने जाओगे तो आपको इशू यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, उसका समाधान मैं बता दूंगा इस वीडियो में। और सेकेंडली, जो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला आइटम अगर आप मंगवा रहे हो, अगर ये वाला आइटम आप लगाना चाहते हो अपने AS, NS, RS जो भी वेरिएंट है, उसमें सब में एक प्रॉब्लम आपको जरूर आएगी, क्योंकि इसमें सिंगल लोडेड नहीं है, यहाँ पर डबल जगह आपको माउंट करना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं NS का ये, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली क्या होता ना, इसको यहाँ पर करके आपको माउंट करना रहेगा, तब जाके ये फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लगाओगे ना तो फिर ये ऐसा करता रहेगा। फिक्स करना है आपको, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता ना, यहाँ पर एक गड्ढा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी आप इसमें करो तो यहाँ पर देख सकते हो ये निकल जाता है, रबर है, जैसे कि ये मैंने वहाँ से निकाल लिया था कैप, इसको बाद में मैं इसमें इंस्टॉल कर दूंगा ताकि दिखने में ख़राब भी ना लगे, ठीक है। ये तो इस प्रकार कुछ ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको बाहर निकालना है, तो मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पाइप, क्योंकि मुझे इसके अलावा लोहे का आइटम वहाँ पे बेल्ड करके या कुछ करके मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर एलेंकी है, उसको कभी ऐसा अपन इसको चेंज कर रहा हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ना आए इसलिए अपन इसको इससे कर देंगे। और यहाँ पर अपन आप टेप लगा के भी कर सकते हो या कुछ भी टेम्परेरी ग्रू लगा सकते हो जिससे ये पील ऑफ ना हो। मैंने क्या किया, एकदम सिमिलर काइंड ऑफ इसको मैंने सेलेक्ट किया, बट ये घुस नहीं रहा था, तो अपन ने इसको थोड़ा सा इससे हीट करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना के उसके बाद आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक देसी जुगाड़ू है, कुछ नहीं, 10 रुपये का ये आपको मिल जाएगा, 10-20 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, इसको आप अपने हिसाब से काट लो। जैसे मुझे इतनी ज़रूरत थी तो मैंने उसको इतना काट लिया, अब यहाँ पर अपन उसको अच्छी तरीके से उसको अपन माउंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्लिप पड़े हुए हैं, वहाँ पर मैं जब माउंट करूँगा आपको दिखा दूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा क्यों ना इस पर आपको दिखा दूँ। जैसे फिर से अभी रात हो रहा है तो अपन रात में काम करते हैं गाड़ी पे, तो यहाँ पर इसको अपन माउंट कर देंगे तो बेहतरीन ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी ही प्यारा सा लुक आने वाला है बाइक पे जब ये दोनों माउंट हो जाएंगे।
अभी मेरे में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे में इस एंगल में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पर बोल्ट मेरा नहीं कस रहा है। उसको उसका भी समाधान मैं कर रहा हूँ। जैसे इस साइड का मैं लेके आया था तो बोल्ट मेरा नहीं कस रहा है तो प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें एक जुगाड़ करा, मैंने फेविक्विक से इसका, क्योंकि मुँह बड़ा होता है तो अपने पास सिस्टम नहीं था, तो मैंने फेविक्विक से यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया है। अब अपन इसको माउंट करूँगा तब मैं आपको दिखा दूँगा। इसको साइड में रखते हैं तो कुछ इस प्रकार का ये हो जाएगा। मेन फोकस इस पे करना रहेगा आपको, अगर आप ये वाला कर रहे हो। अगर आप सिंगल वाला कर रहे हो, जैसे कि मेरे पास रखा था आई गेस ऊपर रखा है, अगर आप सिंगल वाला कर रहा हो यहाँ तक का, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट आप डबल वाला अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी आप ये डबल फेसिंग वाला ख़रीदो, ये वाला ख़रीदो, तो जो यहाँ पर लगता है उसको यहाँ पर लगाना रहेगा आपको। ये जो एंगल रहता है ना, ये ऊपर की तरफ होता है, ट्यूब में देखेंगे, और इसमें अपन को उल्टा करना रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, इसमें अटकेगा ये, इसलिए इसको उल्टा कर लेना पड़ता है। तो यहाँ का जो सिस्टम है उसको यहाँ पर फिट करना रहेगा। तो अभी मैं आपको बता दूंगा। बिल्ली आई है तो बेटा ये नाइस, काफी ही बेहतरीन लग रहा है। कैसा दोस्त, क्या हो गया, कुत्तों से परेशान है जिंदगी में? चलो ये चला गया है। तो मैं जैसा बता रहा था कि अब अपन यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर रहा है, तो मैं आपको सब बता दूंगा धीरे धीरे। बेसिकली अभी अपन को क्या करना है, अभी यहाँ पर भी एक जुगाड़ है, यहाँ पर देखो उसी को पाइप, अपन ने ये जो पाइप था इसको कट करके यहाँ पर फिट किया ताकि एक्सीलेटर में प्रॉब्लम ना आए। बट यहाँ पर फिर भी आ रहा है, अभी मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा कैसे करना है। बाकी इसको आप देख सकते हो ये एकदम मजबूत हो गया, तो इसको अपन यहाँ पर कर देंगे। तो जब भी जब भी आप इसको घर पर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये वाला प्रॉब्लम फेस करना अवश्य पड़ेगा। तो उसको ही सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो बनाया। बाकी इसको लगाने के बाद कैसा लगता है उसका रिव्यू मैं आपको दूंगा सुबह उठ के, वो भी इसी वीडियो में रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई साहब कुछ ऐसा हो रहा है, अभी आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन सा लुक आ रहा है, सामने से भी देख सकते हो। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज कर दिए हैं और थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा, बट आप हीट करके डेफिनेटली इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और जैसे कि काफ़ी मजबूत हो गया है ये, तो मेरा फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अब आगे से आपको लुक दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो कुछ मस्त आ रहा है, एकदम ऑफ रोडिंग लुक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना टच नहीं हो रहा है, ये ऑटो अच्छे से लॉक हो जा रहा है, दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये सबसे बड़ी टेंशन थी, सबसे पहला टेंशन ये था, दूसरा टेंशन ये था, तो दोनों ही सॉल्व हो चुके हैं। बाकी इसको अपन कलर कर देंगे तो बहुत ही शानदार दिखने वाला है। और ये लगाने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, उसके बाद निकल चलेंगे बाहर और इसका पूरा रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोनों हैंडल गार्ड अपन ने फिट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा फील लीजिए आवाज़ के साथ, फिर निकल चलते हैं आगे और बनाते हैं बाहर जाके दिन में वीडियो। ये रहा कुछ साइड प्रोफाइल, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, अपन ने पीछे का भी नहीं किया है क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो उसको अपन बाद में कर लेंगे। बाकी यहाँ से कल रात को इंस्टॉल किया था अपन ने ये, तो काफ़ी ही बेहतरीन इसका लुक आ चुका है। नाइस, और इसके हर एंगल से देखो आप क्या तो बेहतरीन लग रही है, फुल टू BMW। बट ये लगाने के बाद जो मतलब लुक आया ना भाई, बता नहीं सकता हूँ, इतना बेहतरीन। तो आप देख सकते हो मैंने कल बताया था आपको, आपको थोड़ा सा ये रेस करना पड़ेगा हैंडल बार, क्योंकि बिना उसके ये आपको नहीं लगा पाएंगे वहाँ पर। तो अपन ने इसको रेस किया है, काफ़ी ही मजबूत कसम का है, पाइप लगाया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप इस प्रकार से इसको रेस करके यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, ये वाला अगर आप लगा रहे हो। अगर आप सिंगल हैंडेड लगा रहे हो तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, इस वाले में आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ करने के बाद आप देख सकते हो क्या बेहतरीन लग रहा है, तो कुछ इस तरीके का कॉकपिट लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और पीछे से कुछ इस प्रकार का लुक आ रखा है। तो ये जो लुक है ना गाइस, एकदम राइडर वाली लुक है, और जितना हो सकता है उतना प्रीमियम क्वालिटी का काम अपन कर रहे हैं और धीरे धीरे अपन सीख गए हैं। तो कुछ इस प्रकार का कॉकपिट दिखने वाला है जब भी आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ब्लॉगिंग करते हुए। तो अपना जो कॉकपिट है पूरा भर गया, पहले यहाँ पर खाली खाली था, अब पूरा ये भर चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं।
ज़्यादा कुछ लंबा नहीं बना रहा हूँ, बस आपको ये बताना था कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है और सामने से कैसा आता है। तो ये रहा सामने का, बहुत ही शानदार, उससे भी अच्छा अपन काम किए तगड़ा। और जैसे कि मैंने इस पर उस पहले जो वीडियो देखे आपने उसमें रिंग पे नहीं था, अब अपन ने रिंग पे भी इसको कर दिया पूरा टोटल। तो यही है। सो गाइस, इस वीडियो में कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही आपको बताना चाह रहा था। आई गेस आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन होने वाला है वो अपन इसमें रैप करेंगे और बेली गार्ड लगाएंगे अपन, इंजन गार्ड, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपडेट करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।